चलो आ जाओ सभी लोग जल्दी जल्दी। देखिए बफरिंग होता है, ठीक है, बफरिंग हो जाता है, शाम को ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। आप सभी को पता है कि सुबह चल उतना सुबह बफरिंग होता ही नहीं, कभी आज तक सुबह 11:30 बजे क्लास में कभी भी बफरिंग नहीं हुआ है। अब शाम को ये क्यों होता है ये तो पता नहीं, ठीक है, तो इसीलिए सभी लोग आ जाइए जल्दी जल्दी से, ठीक है। और देखिए टाइम आप लोग याद कर लीजिएगा, सुबह 6:30 बजे आप लोग आते नहीं हैं, 6:30 बजे जो होता है आपका क्या होता है, करेंट अफेयर का क्लास होता है, तो ये सभी लोग ध्यान दीजिएगा। 6:30 बजे क्या होता है, करेंट अफेयर का क्लास, 11:30 बजे भी साइंस का क्लास चलता है, और 6:00 बजे भी आपका साइंस का क्लास चलता है। तो ये सारा चीज़ याद रखिएगा, और जितना भी आपको PDF मिलेगा ना वो nestexam.com में मिलेगा, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सारा चीज़ आपको याद रखना है, nestexam.com में आपको जितना भी आपको पढ़ाया जाता है सारा चीज़ मिलेगा, तो ये वेबसाइट आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। सारा चीज़ खोल के आपको यहाँ पर मिल जाएगा, डेली अपडेट होते रहेगा आज से। राजेश जायसवाल जी गुड इवनिंग, चलिए और बाकी लोग भी बुला लीजिए, एक बार बफरिंग हुआ था सभी लोग गायब हो गए, ठीक है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। GS का क्लास तो चलता है राजेश जायसवाल जी, सुबह ही चलता है 6:30 बजे से, ठीक है, करंट अफेयर के साथ चलता है। तो ये चीज़ आप लोग दोनों सबको ध्यान दीजिएगा, ये जो 6:30 बजे है ना, इसी में आपका GS का क्लास चलता है, इसमें लिखना भूल गए, ठीक है, GS प्लस करंट अफेयर दोनों चलता है, कब, सुबह 6:30 बजे, ठीक है। तो 6:30 बजे आप लोग आइए सुबह, बाकी को भी बुलाइए ताकि क्लास को स्टार्ट कर सके। आज बफरिंग का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, समझे, पता नहीं ये बफरिंग क्यों हो रहा था, शाम को बहुत ज़्यादा बफरिंग होता है, अब ये क्यों होता है पता नहीं। बिट्टू यादव जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलिए स्टार्ट करें, स्टार्ट करें, अब आप लोग बताइए स्टार्ट करें, आप लोग बताइएगा तभी स्टार्ट करेंगे, या फिर किसी और सभी को आने दें। अभी तो शायद नोटिफिकेशन गया होगा नहीं, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन जाने के बाद दोबारा नोटिफिकेशन भेजता नहीं है यूट्यूब। आप लोग बुला लीजिए अपने दोस्तों को भी, शेयर कर दीजिए, ठीक है, ताकि और भी बच्चे जुड़ पाएँ। स्टार्ट करें ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे है, सबसे पहला क्वेश्चन है और आंसर करेगा सभी लोग, ठीक है, बायलैंगुअल है इसलिए सभी लोग आंसर करेगा। पहला क्वेश्चन है कि आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। पहला क्वेश्चन, आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, सभी लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है, बिल्कुल सही, सभी का लगभग सही आंसर आ रहा है, क्या होगा, सभी का लगभग सही आंसर आ रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, खून की कमी, क्या होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी खून की कमी आपका करेक्ट आंसर रहेगा, सभी लोग सही कर लेंगे, ठीक है। जिनका भी गलती होता है अगर, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, मैं बार बार बोलता हूँ, क्योंकि अभी अगर आप गलती करते हैं तो एग्जाम में गलती नहीं होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी खून की कमी होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, खून की कमी, ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, सभी को आंसर बताना है, चलिए आंसर बताइए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है, क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अशोक यादव जी बिल्कुल सुबह क्लास चलाता है, ठीक है, आप सुबह तो आइए कम से कम 6:30 बजे, ठीक है, उसके बाद पता चलेगा क्या होगा। देखिए इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, कथन ए बी दोनों सही है, ए और बी आपका दोनों सही है। बिजली जो होता है वोल्ट के आनुपातिक होता है, विद्युत धारा के आनुपातिक होता है, ठीक है, तो ये आपका दोनों सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, लगभग सभी का यहाँ पर सही आंसर आया है। चलिए गुड इवनिंग बिलवेश्वरा जी, और शेयर करिए आप लोग, ठीक है, शेयर करिए। आज देखिए बफरिंग जो हो जाता है ना ये बहुत ख़राब बात है जब स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी देखिए कितना अच्छा चल रहा है, मतलब क्लास जब सब कोई आते हैं तो बफरिंग हो जाता है, पता नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, वायुमंडलीय दबाव डेस्क के द्वारा मापा जाता है, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, आंसर बताइए थर्ड का क्या होगा, बिल्कुल सही, वायुमंडलीय दबाव किसके द्वारा मापा जाता है, बिल्कुल सही, सभी का लगभग सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर ए बहुत ही
सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या आ जाएगा इसका? बैरोमीटर। किससे मापा जाता है? बैरोमीटर। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्या आएगा? बैरोमीटर से हम लोग क्या मापते हैं? वायुमंडलीय दबाव। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। बिल्कुल सही, सभी का लगभग सही आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति को चिन्हित नहीं करता है? यहाँ पर चिन्हित नहीं करता है, ये आपको आंसर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर पदार्थ की थर्मोडायनेमिक स्थिति को चिन्हित नहीं करता है? आंसर बताइए सभी लोग। बिल्कुल, चलिए आंसर बताइए क्या होगा, कौन चिन्हित नहीं करता है? सभी को आंसर बताना है, क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल सही, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, हाँ नोटिफिकेशन नहीं आता है, वो कभी कभी नहीं आता है, इसलिए शेड्यूल कर कर रख देते हैं, आप लोग आ जाइएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा, कार्य। कौन चिन्हित नहीं करता है? कार्य आपका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। लगभग सभी का यहाँ पर सही आंसर आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर फाइव। वर्षा को मापने वाला उपकरण कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्षा को मापने वाला उपकरण कौन सा है? सभी लोग आंसर बताइए, वर्षा को मापने वाला उपकरण कौन सा है? फाइव का क्या होगा? वर्षा को मापने वाला उपकरण क्या कहते हैं? क्या आएगा करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, जिनका भी ऑप्शन नंबर सी आया है बिल्कुल करेक्ट है। क्या आ जाएगा? हियोटोमीटर उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हियोटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। वर्षा को मापने वाला उपकरण क्या कहलाता है? हियोटोमीटर। ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखिए, एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर परिणामी के डैश के बराबर है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इक्वल टू द रिजल्टेंट ऑफ। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपको हिंदी में समझ में नहीं आता तो इंग्लिश में भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा इसका आंसर बताइए, सिक्स का क्या होगा? एक निकाय के संवेग के परिवर्तन की दर परिणाम के डैश के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? बिल्कुल डिफिनेशन से दिया गया है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, फोर्स। ठीक है, सभी को पता है किसके बराबर होता है? फोर्स के बराबर होता है। राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्या आएगा? और लगभग यहाँ पर सभी का सही आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी, बल आपका करेक्ट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेवन। क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है? डैश कंप्यूटर मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, डैश कंप्यूटर मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताता है कि किसी प्रोग्राम के निर्देशों का उत्तर कैसे देना है। कौन बताता है ये आपको आंसर बताना है? सेवन क्या होगा? चलिए सभी लोग आंसर बताइए, सेवन का क्या होगा? डैश कंप्यूटर मेमोरी अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट और आउटपुट डिवाइस बनाता है कि किसी प्रोग्राम के निर्देशों का उत्तर कैसे देना है। तो कौन बनाता है? क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट, कंट्रोल यूनिट इसका करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्या आएगा? कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। रेन गेज से भी वर्षा को मापा जाता है। ठीक है, रेन गेज से भी वर्षा को मापा जाता है। चलिए जो ऑप्शन में दिया रहेगा उसी से आपको आंसर करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर एट। यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या है? यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? एट का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर एट, यांत्रिक शक्ति की एसआई इकाई क्या होता है? सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा, क्या आएगा इसका करेक्ट आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी, वाट। ठीक है, यांत्रिक शक्ति जो होता है उसका एसआई इकाई क्या होता है, एसआई यूनिट क्या होता है? वाट होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, वाट होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर नाइन। क्वेश्चन नंबर क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है? इलापी डायनाजा। ठीक है, इलापी डायनाजा डैश का वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? आंसर बताइए नाइन का। इलापी डायनाजा डैश का वैज्ञानिक नाम होता है, क्या होगा? सभी लोग आंसर बताइए नाइन का क्या होगा, किसका वैज्ञानिक नाम होता है? सभी लोग आंसर बताइएगा। इलापी डायनाजा डैश का वैज्ञानिक नाम होता है। किसका वैज्ञानिक नाम होता है? क्या आएगा? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, कोबरा। किसका नाम होता है? कोबरा का वैज्ञानिक नाम होता है। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। अब निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान है? चलिए निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्रा किसी दिए गए तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए समान होता है? आंसर बताइए क्या होगा। इनमें से कौन सा एक ऐसा है, ठीक है, जो सभी गैस के लिए समान होता है किसी भी टेम्परेचर पर, क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, गतिज ऊर्जा आपका करेक्ट आंसर आएगा, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, कौन सा समान होता है? काइनेटिक एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। बिल्कुल मुकेश जी, गुड इवनिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व परमाणु संख्या क्लोरीन की तुलना में अधिक है? सभी को पता होना चाहिए क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है। मैं आप लोग को बार बार बोलता हूँ कि एटॉमिक नंबर आप लोग याद करिए, कम से कम आप लोग 40 तक याद करिए, ठीक है, कम से कम 40 तक याद करिए, उसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, उससे बाहर आपका कोई नहीं क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो क्या होगा इसका, किसका जो क्लोरीन है उससे ज़्यादा है एटॉमिक नंबर, क्या आएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए पोटासियम। क्या आएगा? जो पोटासियम का परमाणु संख्या है वो क्लोरीन की तुलना में अधिक है, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर आएगा, पोटेशियम, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, आप लोग याद जरूर कर ही लीजिएगा, ऐसा नहीं कि याद करेंगे करेंगे और एग्जाम आ जाए, ठीक है, याद कर ही लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और स्वचालित रूप से एक अलग सिग्नल प्रेषित किया जाता है? चलिए रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है और स्वचालित रूप से एक अलग सिग्नल प्रेषित किया जाता है, क्या जाएगा इसका? 12 का राइट आंसर क्या आएगा? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोंडर। किसका यूज़ किया जाता है? ट्रांसपोंडर, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी ट्रांसपोंडर उसको कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा जाता है? ट्रांसपोंडर, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आएगा, सभी लोग सही कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, अब 13 क्या है, कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले ISP का पूर्ण रूप क्या है? देखिए कंप्यूटर में हम लोग यूज़ करते हैं ISP, ठीक है, ISP, तो उसका फुल फॉर्म आपको बताना है क्या होता है, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है, सभी लोग आंसर करिएगा, कोई भी ऐसा नहीं है कि आंसर नहीं करेंगे, ठीक है, सभी लोग आंसर करिएगा, आप लोग अभी सीखिएगा तो बाद में गलती नहीं करिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका? बिल्कुल करेक्ट, जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है बिल्कुल करेक्ट है, क्या आएगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, याद रखेंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, रूटाइल डैश का एक अयस्क खनिज है, किसका अयस्क खनिज होता है? आंसर बताइए, 14 का रूटाइल डैश का एक अयस्क खनिज होता है, आंसर बताइए किसका अयस्क खनिज होता है, सभी लोग आंसर बताइए क्या होगा। बिल्कुल सभी लोग लाइक कर दीजिए, ठीक है, मैं बोलता नहीं बट आप लोग लाइक करते रहिएगा। रूटाइल किसका अयस्क खनिज होता है? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी टाइटेनियम, क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर? टाइटेनियम, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा, किसका होता है? टाइटेनियम राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 15 क्या है कि यदि एक वर्षा की बूंद हवा के माध्यम से गुजरती है तो वह क्या होता है? ठीक है, कोई वर्षा का बूंद है जो हवा के माध्यम से गुजर रही है तो इसका वेग में क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है, उसका वेलोसिटी जो होता है उसमें क्या परिवर्तन आएगा ये आपको बताना है, 15 का क्या होगा? चलिए आंसर करिए, 15 का क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, ठीक है, क्या आएगा? इसका वेग कुछ समय के लिए बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, याद रखेंगे सभी लोग, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर आएगा। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग रेणु यादव जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? ठीक है, उच्च रक्तचाप का इलाज करने के लिए किस दवा का उपयोग किया जाता है? आंसर बताइए 16 का। रेणु यादव जी बिल्कुल दिख रही है, चलिए
इसका आंसर बताइए क्या होगा, किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर आएगा, हाइड्रालाजिन। किसका यूज किया जाता है? हाइड्रालाजिन। याद रखेंगे सभी लोग, हाई ब्लड प्रेशर जो होता है ना, उसका यूज किससे करते हैं हम लोग? हाइड्रालाजिन को, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। एक परावर्तित दूरबीन में दर्पण किस प्रकार का होता है? एक परावर्तित दूरबीन में दर्पण किस प्रकार का होता है? आंसर बताइए। जो दर्पण यूज किया जाता है परावर्तित दूरबीन में, वो किस टाइप का दर्पण होता है, ये आप लोग आंसर करिएगा। 17, चलिए, किस टाइप का दर्पण यूज किया जाता है? बिल्कुल करेक्ट, सभी का लगभग सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का यूज किया जाता है, ठीक है। कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18। चुकंदर बीट पौधे का डैश हिस्सा है। जो चुकंदर होता है वो बीट पौधे का कौन सा हिस्सा होता है? आंसर बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18, चुकंदर बीट पौधे का डैश हिस्सा है, कौन सा हिस्सा होता है? आंसर करिए सभी लोग। हाँ बिल्कुल, यूपीएससी में तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसी तरह। क्या आएगा इसका? मुख्य जड़, ठीक है। क्या आएगा ऑप्शन नंबर? देखिए यूपीएससी का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है, बट ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हाई दे दिया जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, मुख्य जड़। कौन सा होता है? मुख्य जड़ होता है, ठीक है। कौन सा हिस्सा होता है? मुख्य जड़ का हिस्सा होता है। सभी का लगभग सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 क्या है कि प्रकाश और ध्वनि दोनों का तरंग चरित्र होता है, ठीक है, फिर भी प्रकाश में निरीक्षण करने के लिए विवर्तन बहुत कठिन होता है, इसके पीछे रीजन क्या है? प्रकाश और ध्वनि दोनों का तरंग चरित्र होता है, फिर भी प्रकाश में निरीक्षण करने के लिए विवर्तन बहुत कठिन होता है, तो इसके पीछे रीजन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की तरंग लंबाई, जो तरंग की लंबाई होती है वो बहुत कम होती है, ठीक है, इसीलिए बहुत कठिन होता है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश की तरंग लंबाई बहुत कम होती है, ठीक है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20। एसिटिक एसिड को डैश के रूप में जाना जाता है। जो एसिटिक एसिड होता है उसको डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? अब ये आप लोग आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 20, एसिटिक एसिड को डैश के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है? सभी लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। एसिटिक एसिड को डैश के रूप में जाना जाता है, क्या होगा? बिल्कुल सही। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, विनेगर सिरका के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल सही, सभी का लगभग सही आंसर आ रहा है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सही, सभी का सही आ रहा है। विनेगर आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा। पतले साबुन की फिल्म में शानदार रंगों की जानकारी का परिणाम है, ठीक है। पतला साबुन की फिल्म में शानदार रंगों की जानकारी का परिणाम है, किसके कारण यह होता है, ये आप लोग आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 आंसर बताइए क्या होगा 21 का, सभी लोग आंसर करिएगा। किसके कारण होता है? क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, एकाधिक प्रतिबिंब और हस्तक्षेप, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफ्रेंस, ठीक है। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन और इंटरफेरेंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? जो हाइपर टेक्स्ट होता है उसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आंसर बताइए 22 का। हाइपर टेक्स्ट का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? क्या आएगा सही आंसर? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, टेड लेंसन। किसके द्वारा किया गया है? टेड लेंसन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा, लगभग सभी का यहाँ पर सही आंसर है। सर जी आज क्लास ऑफलाइन है या ऑनलाइन है? अरे ऑनलाइन चल रहा है, ठीक है, ऑनलाइन चल रहा है। ये आप लोग क्या बात कर रहे हैं, लाइव नहीं दिख रहा आप लोग को, थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा है नेटवर्क के चलते, ठीक है, वैसा कोई बात नहीं है। चलिए 23 देखिए। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पर आधारित है? जो घड़ी में क्वार्ट्ज का यूज होता है, ठीक है, तो वो किस काम पर आधारित है, ये आपको आंसर बताना है। 23 क्या होगा? चलिए आंसर बताइए।
घड़े में जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल का उपयोग किया जाता है वो किस पर आधारित रहता है? आंसर बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माहिका कपूर जी, अरे थोड़ा सा लेट में आपको सुनाई देगा, ठीक है, ये हमको पता है। क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, किस काम पर आधारित होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, ठीक है, किस पर होता है पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 24। यदि एक गति में घिर्णन का अक्ष वस्तु के माध्यम से नहीं गुजरता है तो गति का क्या कहा जाता है? आंसर बताइए, यदि एक गति में घिर्णन का अक्ष वस्तु के माध्यम से नहीं गुजरता है तो गति को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 24 आंसर करिएगा सभी लोग। ट्वेंटी फोर क्या होगा? कक्षीय गति, ठीक है, क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑर्बिटल मोशन, याद रखेंगे सभी लोग, क्या कहा जाता है इसको, कक्षीय गति, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैं तो आपको बताता हूँ ना, जितना भी मैं क्वेश्चन कराता हूँ आप लोग एक से नहीं कम से कम दो बार तीन बार जरूर देखिए, क्योंकि ये मैं आपको कुछ स्पेशल सेशन दे रहा हूँ, ठीक है, स्पेशल मतलब क्या बोलेंगे आपको, एक लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसीलिए आप लोग अगर आपको लगता है कि हाँ देखना चाहिए तो आप लोग इसको रिपीट देख सकते हैं, अदरवाइज आपकी मर्जी, आपका मतलब किसी को कोई तो घोल के पिला नहीं सकता है ना। चलिए 25 देखिए क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोर नरम लोहे से बना होता है क्योंकि इसमें नरम लोहा का होता है, क्या होता है? पीडीएफ, अच्छा पीडीएफ के बारे में देखा जाएगा, ठीक है। ट्वेंटी फाइव क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी, बड़े संवेदनशीलता और छोटे प्रतिशोध, क्या आएगा इसका? बड़ी संवेदनशीलता और छोटे प्रतिशोध, ठीक है, ठीक है। चलिए आयरन का क्या होता है आप लोग सभी लोग याद रखिएगा, इसका आयरन का जो विशेषता होता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 26। 26 क्या है, जब कोई तेज रोशनी में होने के बाद एक अंधेरे में कमरे में प्रवेश करता है तो कुछ देर बाद स्पष्ट रूप से कुछ भी दिखाई नहीं दे पाता है। देखिए आप लोग कभी भी धूप में रहिएगा, ठीक है, उसके बाद जैसे आप लोग अंधेरा कमरे में जाइएगा तो कुछ समय के लिए आप लोग को कुछ दिखाई नहीं देता है, ये इसका मतलब इसके पीछे रीजन क्या है आप लोग आंसर करिए, क्या होगा? 26 रामधर कुमार, 26 का आंसर बताइए क्या होगा, इसके पीछे रीजन क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, आयरिस पुतली को चीज़ें को देखने में सक्षम करने के लिए तुरंत पतला करने में असमर्थ होता है, मतलब उसको एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका, ये आयरिस का काम होता है, सबसे पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा आयरिस का काम होता है और वो एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम लेता है, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को दिखाई नहीं देता जल्दी। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, एक तैरती हुई वस्तु ऊपर की ओर लगने वाले बल को क्या कहा जाता है? कोई एक वस्तु तैर रही है तो उस पर जो ऊपर की ओर बल लगता है उस बल को क्या कहा जाता है, आप लोग आंसर बताइए। 27 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा, उछाल, उसको क्या क्या कहा जाता है? उछाल, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। क्या कहा जाता है? बी, ऑप्शन नंबर बी, उछाल उसको कहा जाता है, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 28, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा में समान आयाम नहीं है? आयाम का मतलब समझ रहे ना, डायमेंशन, ठीक है, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा में समान आयाम नहीं है, आंसर बताइए इसका। देखिए दो दो का यहाँ पर जोड़ा दिया गया है, ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन दो जोड़ा ऐसा है जिसका जो आयाम है वो समान नहीं है, ठीक है। आंसर बताइए क्या होगा 28 का, बल और दबाव, जब बल और दबाव होता है उसका आयाम समान नहीं होता है, ठीक है, तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर आएगा, बल और दबाव, ठीक है। चलिए 29 देखिएगा,
क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? हेट्रोस्फीयर का ऊपरी भाग लगभग पूरी तरह से किस गैस का बना होता है? हेट्रोस्फीयर आपको सभी को पता है, ठीक है, हेट्रोस्फीयर आपको सभी को पता है। देखिए आर्किमिडीज बल कोई होता नहीं, आर्किमिडीज लो होता है। आप लोग आर्किमिडीज आर्किमिडीज बात कर रहे हैं, आर्किमिडीज लो होता है, उसमें कोई बल नहीं होता आर्किमिडीज, ठीक है। तो ये आप लोग गलत गलत फहमी मत रहिएगा कि आर्किमिडीज कोई बल होता है, उसको बायकॉन्सी बोला जाता है। माहिका कपूर जी आपको तो इंग्लिश मीडियम से है, आपको तो पता होना चाहिए, ठीक है। इसका बताइए 29 क्या होगा, कौन सा गैस होता है 29 क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोजन आपका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। कौन सा गैस भरा रहता है पूरा? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। चलेगा क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी एक वेक्टर मात्रा नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा वेक्टर मात्रा नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। सभी का आंसर आना चाहिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 कौन सा एक वेक्टर नहीं है, क्या होगा? कौन सा वेक्टर नहीं है? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए जो स्पीड होता है वो आपका वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आएगा, जो वेक्टर स्पीड होता है, गति होता है, ठीक है, वो आपका वेक्टर नहीं होता है, ठीक है। सदिश राशि, वेक्टर का हिंदी क्या होता है? सदिश राशि। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए अब, चलिए 31 देखिए क्या है। डैश एक पत्ती है जहां वरक को मध्य सिराओं के साथ व्यवस्थित किया जाता है। डैश एक पत्ती है जहां वरक को मध्य सिराओं के साथ व्यवस्थित किया जाता है। आंसर बताइए 31 क्या होगा। क्या होगा आंसर बताइए 31 का? ऑप्शन नंबर ए, याद रखिएगा सभी लोग, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है बट इसको याद रखना, एक दो क्वेश्चन ऐसा रहता है जिसको हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। तो पाई नेटली यौगिक पत्ती, ये सब आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है पाई नेटली यौगिक पत्ती? थर्टी टू देखिए आप, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। जब पारे की सतह पर स्टील की गेंद रखी जाती है तो वह डूबती नहीं है, इसके पीछे रीजन क्या है? थर्टी टू, जब पारे की सतह पर स्टील की गेंद रखी जाती है तो वह डूबती नहीं है, क्या होगा इसका? बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर डी, जो पारा का घनत्व होता है स्टील की तुलना में अधिक होता है। क्या आएगा ऑप्शन नंबर डी? पारा का घनत्व स्टील की तुलना में अधिक होता है, इसीलिए वो डूबता नहीं है, ठीक है। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कोई बात नहीं, जाने दीजिए। 33 देखिए क्या है। फल और सब्जियों में केरोटीन कौन सा रंग देता है? फल और सब्जियों में केरोटीन पाया जाता है, वह कौन सा रंग देता है? आंसर बताइए 33। फल और सब्जियों में केरोटीन पाया जाता है, उसमें कौन सा रंग मिलता है? ये सभी को आंसर बताना है क्या होगा। कौन सा रंग पाया जाता है? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, नारंगी, ठीक है। कौन सा रंग पाया जाता है? नारंगी रंग पाया जाता है, ऑरेंज कलर पाया जाता है, कैरोटीन, ठीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 34। 34 क्या है? अब बायलैंग्वेज में नहीं करेंगे, ठीक है, हिंदी इंग्लिश में नहीं करेंगे। एक तो आप लोग के लिए इतना मेहनत करो और आप लोग छोड़ के भाग रहे हैं। 34 देखिए क्या है। घरेलू बिजली की स्थापना में एक कमरे में दो बल्ब लगाए जाते हैं, उनमें से एक दूसरे की तुलना में उज्ज्वल चमकता है, फिर तो इसके पीछे रीजन क्या है? 34 का आंसर करिए, क्या होता है इसके पीछे रीजन? ऑप्शन नंबर ए से आंसर आ जाएगा, जो उज्ज्वल बल्ब है उसका प्रतिरोध कम होता है, इसीलिए वो सबसे अधिक चमकता है, ठीक है। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर ए, जो मतलब सबसे ज़्यादा चमक रहा है उसका जो प्रतिरोध है वो कम होगा तभी वो ज़्यादा जलेगा, ठीक है। ये आप लोगों को कॉमन सेंस लगाना है, जिसका प्रतिरोध कम होता है उसमें धारा ज़्यादा जाती है, जिसके कारण वो धारा मतलब ज़्यादा चमकता है। 35 देखिए क्या है। बुबलस बुबलिस डैश का वैज्ञानिक नाम है। बुबलस बुबलिस डैश का वैज्ञानिक नाम है, क्या होगा?
बुबलस बुबलिस डैस का वैज्ञानिक नाम है, किसका वैज्ञानिक नाम होता है? थर्टी फाइव क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जो भैंस होता है उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? बुबलस बुबलिस। ठीक है, राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी, बुबलस बुबलिस भैंस का वैज्ञानिक नाम होता है। याद रखेंगे सभी लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एनालॉजिक्स डैश होते हैं, जो एनालॉजिक्स होते हैं वो किस दवाई के रूप में यूज़ किए जाते हैं? ये सभी लोग कमेंट करिए क्या होगा। जो एनालॉजिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, किस दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है? आंसर करिए सभी लोग, क्या आएगा? सभी को आंसर बताना है क्या होगा इसका, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, दर्द में आराम देते हैं। ठीक है, कौन सा दवाई, किस दवाई के रूप में यूज़ किया जाता है? तो दर्द में आराम देते हैं, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 37 40 क्वेश्चन करा के छोड़ देते हैं। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 37 देखिए आंसर बताइए क्या होगा। ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, कितना होता है? बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहेगा। कितना होता है? 8। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 39 कंप्यूटर विज्ञान में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाला SQL का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होगा आंसर बताइए इसका। कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाला SQL का फुल फॉर्म क्या होता है? सभी लोग आंसर बताइएगा क्या होगा। ठीक है, आंसर बताइए क्या होगा। क्या आएगा इसका? 38 का, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 39 हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? मैंने आपको कल ही क्वेश्चन में कराया था, जो हाइड्रोपोनिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? आंसर बताइए सभी लोग, हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, ये आप लोग आंसर करिए क्या होगा। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं, सभी लोग आंसर बताइए 39 का क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट, मैंने आपको पहले भी बताया था, जो मृदा संवर्धन के बिना पौधा को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, मृदा संवर्धन के बिना पौधा को ही हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका ए सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश के रूप में जाना जाता है। कीड़ों के वैज्ञानिक अध्ययन को जाना जाता है, आंसर बताइए 40 का क्या होगा, किसको किस क्या जाना जाता है? ठीक है, कीड़ों को वैज्ञानिक अध्ययन को क्या रूप में, मतलब किसके रूप में जाना जाता है, उसको क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है उसको? एंटोमोलॉजी। क्या कहते हैं उसको? एंटोमोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर आएगा। कीट विज्ञान, क्या कहा जाता है? कीट विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 41 ओएस्टर किस फाइलम से संबंधित है? ओएस्टर किस फाइलम से संबंधित है, आंसर बताइए 41 क्या होगा। 50 क्वेश्चन करेंगे उसके बाद छोड़ देते हैं। ठीक है,